और बिना पूजा के आज पहली बार मैं ससुराल में आ रखा हूँ। और तुम लिखा तो और तुम लिखा मम्मी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, और अगर पूजा ये वाला ब्लॉग देखेगी ना तो उसको घर की याद आएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने ससुराल, और मैं गया था रामनगर, तो अभी मैं घर को जा रहा था तो रास्ते में ना मेरा ससुराल पड़ता है, तो बिना बताए मैं यहाँ पर आ गया। अभी जस्ट यहाँ पर पहुँच ही रहा हूँ मैं, और बिना पूजा के आज पहली बार मैं ससुराल में आ रखा हूँ। तो यहाँ पर है हमारे सासू माँ, और बढ़िया हो रहा है समाचार? बढ़िया हो रहा है। तो इनको मैंने प्रणाम भी कह दिया है, और अभी ये जा रहे हैं खेत में अम्मा को बुलाने के लिए। और अम्मा तो खेत में गई हैं, और अभी ये भी जस्ट खेत से घर को आ रहे हैं, और घर पे अभी कोई नहीं है। और अभी सासू माँ ला गए मिले अमरुद। ये अमरुद कहाँ के हैं? अच्छा, तो गाइस मेरे ससुराल में अमरूद भी होते हैं, और अमरूद काफी ज्यादा मीठा है ये, तो अभी अमरूद लेके आ गई है सासू माँ मेरे लिए। कीड़े पड़े हैं इसमें, ये देखो ये कीड़ा इसमें एक। हो यार, और मैंने ये वाला अमरूद खाया ना, इसमें कीड़ा पड़ा हुआ है, किस्मत ही खराब है मेरी तो। और अभी अम्मा भी आ गई है खेतों से घास काट के। ओ अम्मा, मैं रामनगर गया था, बहुत ठीक थी। हाँ बहुत ठीक है, हाँ रह जा रहे हो मम्मी बिना? हाँ रह जा रहे हैं। और गैस देखो हमारी अम्मा बहुत ज्यादा मेहनती है, इस एज में भी देखो घास काट के आ रही हैं। और वहाँ से चाची भी आ रही हैं, ये देखो, आओ आओ तुम भी आओ। और गैस अभी का मौसम भी काफी अच्छा हो गया है, और लग रहा है मेरे को कि कुछ देर के बाद बारिश हो जाएगी। प्रणाम। और ये चाची श्री हमारी घास लेके आ गई है। हाँ वो भी ठीक है, लाए हो? ना ना, भोको लेके मैं रामनगर से आ रहा हूँ अभी। और यहाँ चल रही है तैयारी चाय की। चाय बना रहे हो? चाय किसके लिए? चाय बना रहे। चाय नहीं पीता मैं तो, मैं चाह नहीं पीन। के ना ठंडा पानी, ठंडा पानी है। अच्छा और वैसे चाय तो मैं पीता नहीं हूँ। चलो चाय ले आओ, बना के ले आओ फिर। जाओ चाय, चाय बन गई है क्या? अगर चाय बन गई तो दे दो, अगर चाय नहीं बनी तो रहने दो। चलो ठीक है ठीक है, हाँ चाय बना दो फिर। चलो कोई नहीं कोई नहीं। और ये रहे हमारे ससुर जी। प्रणाम। आज पहुँच रहा हूँ, अभी हो गया 10 मिनट हो गए। तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं उधर पानी पिलाया गाय बच्ची को। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अभी और घास लानी है अभी। हाँ अच्छा, खेत में है घास। बैलों के लिए? बैलों के लिए। अच्छा, गाय को तो हमारे दे दी। अच्छा अच्छा, बैलों के लिए। ठीक ठीक। और गैस ये ससुर जी ना मेरे बहुत ज्यादा सीधे हैं। आओ बैठो फिर आओ। रामनगर से आ रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, तो मैंने कहा क्या रास्ता काटो, एक बार ससुराल हुआ था अपने, तो मिलने आ गया मैं। अभी घर को जा रहा था मैं। और तबीयत ठीक है तुम्हारी? अच्छा, और गाय दूध दे रही है? ठीक ठीक, डेयरी में जो राखी। हाँ हाँ, गाय को हमारा। चलो बढ़िया बढ़िया। और गैस पता है मेरे को यहाँ पर आके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग ना बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं, तो मतलब यहाँ पर आके मुझे काफी अच्छा लगता है। और हमारी काफी अच्छी है। और यहाँ पे सासू माँ मेरे लिए चाय लेके आ गई है। ये चाय तो बहुत ज्यादा है, कम करो इसको। हाँ बहुत हो गया है, वैसे गर्म बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चाय पीने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी इन्होंने चाय बना दिया तो पी लेता हूँ मैं। खाना खा लिया तुमने? लूरा को लूरा। खाना खाया मैल को? खाया ना, नहीं खाता है। कब खाला? ब्याह का। अच्छा, रात नाश्ता नहीं करो केली? रात के पकड़े ना कहीं, यू यू तो अपन खाली नहीं, पर मैं उसे कह दे काम बना मन के लोग उधर खाए कर लो। यू चाउमीन खाने ने वो दूधम पका दे। चाउमीन दूधम? तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा ना अम्मा की देखभाल करना सही से। हाँ अम्मा तुम खाना पीना खाया करो। मारण है ऐसा मत करना।
खाए पे आबू सीधे भात तू मार गए मैं अच्छा कौन मार दे मैं अब जो मार दे तू मार दे भात मैं कहीं के तो गाइस यहाँ पे पता है सब लोग बहुत सीधे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि जो एक्टिव हो बस अमाई है जो सारा काम करती है घर को मैनेज करती है और अभी चाय पी ली है तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर को और मेरे ससुराल में ना अमरूद का पेड़ है और अमरूद भी काफी मीठा होता है तो सोच रहा हूँ कि घर के लिए थोड़े अमरूद लेके जाऊँ तो अभी अमां चले गई आगे अमरूद तोड़ने के लिए और गाइस ये है अमरूद का पेड़ इसमें ना अमरूद बहुत ज्यादा रखा है और अमरूद बहुत ज्यादा मीठा भी होता है तो अभी हम अमरूद तोड़ रही है यहाँ पे और सासू माँ चले गए धान के खेत में और अभी यहाँ पे अमा ने थोड़े अमरूद तोड़ के रख दिए हैं तो अमरूद का साइज देना कितना बड़ा है तो गाइस ये देखो इतना बड़ा अमरूद हो रखा है और अमरूद भी ना बहुत ज़्यादा मीठा है ये और अगर पूजा ये वाला ब्लॉग देखेगी ना तो उसको घर की याद आएगी क्योंकि होता ही है माँ बाबा को देख के याद आती है घर की और गाइस देखो अमा अभी पेड़ के टॉप में चले गई है अमा नीचे को आ जाओ और अभी सासू माँ भी थोड़ी बहुत अमरूद तोड़ के लेके आ गई है यहाँ पे और सासू माँ से कह रहा हूँ कि ब्लॉग बनाओ तुम भी आज लो ब्लॉग बनाओ बढ़िया हो रहा मौसम सही हो रहा आमा पेड़ पर गई हमें तोड़ने गई अभी लाई काम क्या हो रहा पूजा कहाँ पर है सब ठीक है हाँ सब बढ़िया हो रहा और अभी हमें सासू माँ ने भी थोड़ी ब्लॉगिंग करी तो अभी सासू माँ यहाँ पर झोला भी लेके आ गई है तो जितने भी इन्होंने अमरूद तोड़े हुए हैं ना तो झोले में डाल लें ये गाय खा लेगी इसको इसको छोड़ दो ये दो डाल दो इसमें बस हो गया हाँ बहुत हो जाएगा तो खाने के लिए भी अमरूद भी तोड़ के रख दिए हैं और अब मैं चलता हूँ घर को क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है तो चलो फिर मैं ठीक है ध्यान देना अपना आमा का ध्यान देना है आमा कह रही कि तुम खाने दे रहे हो करके आमा को चलो ठीक है फिर हाँ हाँ भी और आना है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलो अमा ठीक है फिर ध्यान देना अपना हाँ हाँ चलता हूँ फिर अभी हाँ भोका ध्यान दूंगा चलो ठीक है फिर हाँ तेल लगा दिया जरा हाँ हाँ और गाइस फाइनली मैं भी अभी घर पहुंच गया हूं और घर आके मैंने नहा लिया क्योंकि ना गर्मी इतनी हो रही थी मेरे कपड़ों से बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी तो फाइनली मैंने नहा भी लिया है और मम्मी गई है खेत में और वंशु सो के उठ गया तो ये रहा हमारा वंशु हेलो वंशु और गाइस वंशु के लिए मैं चॉकलेट लेके आया था तो मैंने वंशु को दे दिया चॉकलेट ये कौन खाएगा ये कौन खाएगा बाबा इसको छीलो पापा को प्यार भी नहीं कर रहा जय भी नहीं कर रहा और पापा को याद भी नहीं कर रहा है गंदा बच्चा हो गया पापा आपके लिए चॉकलेट लेके आए हैं पापा को याद भी नहीं कर रहे बताओ आप आईफोन चाहिए और वंशु को भी आईफोन चाहिए 80,000 रुपए का आईफोन चाहिए वंशु को तोड़ने के लिए वंशु आईफोन तोड़ देगा हमारा 80,000 रुपए का फिर हम ब्लॉगिंग कहाँ से करेंगे एक तो फोन तोड़ दिया है बताओ आईफोन अच्छा सुनो सुनो पता है आपकी मम्मी कह रही थी ना अरे आईफोन आपकी मम्मी लेके आ रही है बंगाल से वंशु चॉकलेट कैसी हो रही है अच्छी हो रही है अच्छा पापा को आपने याद किया कितना तीन बार याद किया अपने पापा को और आपकी मम्मी कह रही थी ना वंशु से बोलना बंगाल से क्या क्या लेके आने बता दो क्या क्या लेके आने और पूजा चाउमीन लेके आना मोमो और पटू भी और क्या लेके आना है पटू भी हो गया और क्या लेके आना है ये हो गया और हाँ और बच्चे के लिए चॉकलेट भी ले आना नए नए कपड़े भी ले आना तो गाइस अभी 3 बज रहे हैं शाम के तो मैंने ना सुबह नाश्ता किया था रामनगर छोटू के वहाँ और अभी पहले मैं खाना खाता हूँ कुछ होता है तो भूख बहुत तेज की लग रही है ठीक है आप यहाँ बैठो हाँ हाँ तो अभी मैं जा रहा हूँ किचन में कुछ बना होगा तो यहाँ पे क्या क्या है इसमें तो रहे चावल और इसमें रहा दही ये रही दाल तो मम्मी ने दाल चावल मेरे लिए बना रखा है तो सबसे पहले मैं खाना खा लूँ भूख बड़ी तेज की लग रही है और अभी मैंने भी खाना खा लिया है और वंशु को भी मैंने खाना खिला दिया है और अभी हम सब आ गए हैं बाहर से और गाइस ना अभी का मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया है तो मम्मी भी खेतों में से आ गई है और आजकल मम्मी का ना काम बहुत हो गया है और गाइस अभी हल्की हल्की रात भी हो गई है और अभी मैं आ गया हूँ छत में और गाइस अभी का ना मौसम काफ़ी ज़बरदस्त वाला हो गया है
और वंश नीचे खेल कर रहा है, मोबाइल देख रहा है। और मम्मी अभी घर आई थी, उसके बाद फिर से खेतों में चले गई। हमारी मम्मी आजकल दिन भर खेतों में रह रही है, आज छुट्टी है, संडे है ना, तो जब से मैं घर पे आ रखा हूँ ना, मम्मी को मैंने 5 मिनट घर के अंदर देखा और बाकी टाइम मम्मी खेतों में। मम्मी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पे? भूख लग रही है, खिचड़ी बची है अंदर। मैंने अभी वंश के लिए खिचड़ी बनाई थी, वंश को मैंने खाना भी खिला दिया और पलक कह रही है मेरे को भूख लग रही है। जहाँ अंदर खिचड़ी है, केले पके हैं, सीताफल पके हैं और अमरूद लेके आ रखा हूँ, कुछ खा ले इसमें से। खिचड़ी खाएगी? जा खा ले, जा जा। अभी इसको भूख लगी है ना तो ये यहाँ पर आके बैठ गई। तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मुझे कुछ खाना, मैं आपके लिए बिस्किट ले आता हैं। अंदर देख रहे हो गाइस, अंदर केले भी पके हैं, सीताफल भी पके हैं और मैं अपने ससुराल से अमरूद भी लेके आ रखा हूँ। तो इतना कुछ है खाने के लिए अंदर। जा जा खाना खा ले, जा खिचड़ी खा लेना, खिचड़ी गो गो, पहले खाना खा के आओ। तो गाइस अभी का मौसम देखो कितना प्यारा हो गया, अच्छा व्यू आ रहा है अभी और आसमान में हल्के हल्के गाइस बादल हैं। ओ मम्मी कहाँ है? तो दोस्तों ये हैं देखो हमारी माता श्री। जब से मैं घर आ रखा हूँ तब से मम्मी 5 मिनट के लिए घर के अंदर हैं, बाकी टाइम खेतों में के भी अपना कारोबार है रे। कारोबार 4 दिन का कारो काम होता है मम्मी, देखना शरीर भी जरूरी है रे। शरीर अभी बंजर हो जाएगा, फिर बोया का क्या काम है। और गैस अभी रात भी हो गई है तो हम लोग आ गए हैं अंदर। और गैस हमारा ये जो छत वाला पंखा है ना ये खराब हो गया और अभी ना कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे वंश पैसे क्यों? पैसे नहीं मेरे पास। पैसे मिल गए? कहाँ से मिले पैसे? और यहाँ पे रही हमारी माता जी और मम्मी फिर से किचन में आ गई हैं, रात के खाने की तैयारी कर दी है मम्मी। अभी क्या बना रही है आज? हाँ, तो बनी है सब्जी बन गई। अच्छा क्या बना रही है सब्जी में? आलू वो है शिमला मिर्च मिक्स। अच्छा ठीक ठीक। तो गाइस आजकल मम्मी का ही काम हो रहा है खाना बनाने का, दिन में भी सुबह दिन शाम सारा टाइम मम्मी खाना बना रही है। तो गाइस कुछ ऐसा रहा आज का हमारा दिन। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय। और यहाँ पे वंश भी देखो वहां से भाग के आया बाय बाय कहने के लिए। बोल बाय, गुड नाइट बोलो, बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय।